विश्व के बड़े मंदिर के साथ साथ कैथवलिया और केसरिया विश्व के पर्यटन का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है, केसरिया से लेके कैथवलिया तक, कैथवलिया से लेके केसरिया तक, क्योंकि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मंदिर और वहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप। यह वही जगह है जहाँ प्रभु श्री राम की बारात जब अयोध्या से जनकपुर गई थी, बारात जब वापस हो रही थी तो बारात रात में यहीं ठहरी थी, उसके बाद बारात यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान की थी। तो अपने आप में यह स्थल ऐतिहासिक है, रमणीक है। अगर यहाँ नर्मदेश्वर महादेव का शिव मंदिर नहीं होता तो आचार्य किशोर कुणाल साहब की नज़र यहाँ नहीं जाती, अगर भगवान श्री राम की बारात यहाँ नहीं ठहरी होती तो आचार्य किशोर कुणाल साहब को बजरंग बली और हमारे हनुमान जी महाराज यहाँ नहीं भेजते। सुदामा जी का नगरी जो पहले था एकदम ना होता है टूटा फूटी, अब फिर जब वहाँ भगवान श्री कृष्ण से जब मिले हो तो डायरेक्ट उनके खुद नहीं पहचान में आया कि मेरा नगरी कैसा है, वैसा ही नगरी बनने जा रहा है। भगवान सोचे होंगे, सपना में भी नहीं। कैथवलिया जगह पर कब राम जी पधारेंगे और सीता मैया पधारेंगे और उनके साथ में कौन है, बजरंग बली है। तो हम लोग का तो भाग खुल गया, यहाँ ये तकदीर खुल गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए इस वक्त मैं कैथवलिया में पहुंच चुकी हूं और आप सभी को मैं बता दूं कि विराट रामायण मंदिर का यहां पर आज शिलान्यास रखा जा रहा है और उसके लिए मैं इस इतिहास ऐतिहासिक घड़ी में मैं पहुंच चुकी हूं, क्योंकि बाद में आने वाले हर लोग यह जानेंगे कि भाई विश्व में सबसे बड़ा यह मंदिर बनने जा रहा है और उसके बाद सबसे बड़ा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। हम आपको बता दें कि हो सके 2025 तक के शिवरात्रि में यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हो जाएगी। चलिए इस सुनहरे मौके पर यहाँ पे जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं थोड़ा सा उन लोगों से बात कर लेती हूँ। देखिए बड़े बड़े मशीन जो है वो मशीन यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत दूर से कम 1 किलोमीटर हम लोग पैदल के रास्ता चल कर यहाँ पर पहुँचे हैं और अंदर ये जगह है और बच्चे यहाँ पे हैं जो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मुझे बने हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, पहले तो आप अपना नाम बताइए मुझे। मैं मधुरेश प्रियदर्शी विराट रामायण मंदिर निर्माण समिति का सदस्य हूँ। अच्छा, और जगह ही मतलब चुनने का क्या मतलब है? देखिए यह वही जगह है जहाँ प्रभु श्री राम की बारात जब अयोध्या से जनकपुर गई थी, बारात जब वापस हो रही थी तो बारात रात में यहीं ठहरी थी और सुबह फिर नाश्ता पानी करने के बाद उस समय की जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जैसा कि हमारे पूर्वज बताते हैं, उसके बाद बारात यहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान की थी। तो अपने आप में यह स्थल ऐतिहासिक है, रमणीक है। तो ऐसे जगह पर अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है, आचार्य किशोर कुणाल साहब ने अगर इस स्थल को चुना है तो मैं समझता हूँ कि प्रभु श्री राम की कृपा है और अपने हनुमान जी सीधा उनके दिमाग पर छाए हुए हैं और उन्होंने प्रेरणा दी है कि कैथवलिया और बहुवारा ही एक मात्र ऐसा जगह है जहां इस मंदिर का निर्माण होना चाहिए। ऐसे में इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए, चंपारण के लिए इससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं हो सकता है। यहाँ पे कुछ छोटा सा मंदिर तो पहले से बना हुआ है। जी यहाँ ये जो स्थल आप देख रही हैं, यहाँ पे श्री नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर पूर्व से स्थापित है, जो जमाने अरसे लंबे अरसे पहले से स्थापित है, जिसका संचालन बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के नियंत्रणाधीन किया जाता रहा है, अभी भी हो रहा है। सामने में वो मंदिर है जहाँ इस विराट रामायण मंदिर का जो ऑफिस है उसके बगल में वो मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है नर्मदेश्वर महादेव का, वहाँ पूजा अर्चना समय पर होती है और आज उसी मंदिर थीम वही मंदिर है। अगर यहाँ नर्मदेश्वर महादेव का शिव मंदिर नहीं होता तो आचार्य किशोर कुणाल साहब की नज़र यहाँ नहीं जाती, अगर भगवान श्री राम की बारात यहाँ नहीं ठहरी होती तो आचार्य किशोर कुणाल साहब को बजरंग बली और हमारे हनुमान जी महाराज यहाँ नहीं भेजते, और कुणाल साहब नहीं आते तो काश आज जो नज़ारा हम देख रहे हैं, आज जो जय श्री राम के नारे से हमारा गांव, हमारा समाज, हमारी यह धरती गूंज रही है, यह समय देखने को नहीं मिलता। 2 साल के बाद फिर इसका नज़ारा कुछ और ही अलग ही होगा। चलिए एक सवाल और है कि यहाँ पर शहर से यह कितने दूर में है, दूरी पर है ये? शहर से यहाँ से चकिया की दूरी मात्र 13 किलोमीटर है, जो रेलवे स्टेशन नज़दीकी रेलवे स्टेशन चकिया है, जो मुजफ्फरपुर गोरखपुर रेलखंड पर चकिया रेलवे स्टेशन है, यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर और यहाँ से अपना प्रखंड मुख्यालय कल्याणपुर 7 किलोमीटर है
और बगल का प्रखंड मुख्यालय केसरिया जो विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप और केसरनाथ महादेव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, उसकी दूरी यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर है। विश्व का बड़ा मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है, तो कहीं कहीं लोग तो यहाँ पर बहुत सारे आएंगे ही, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, विश्व का तो बड़ा मंदिर बनने जा ही रहा है, विश्व के बड़े मंदिर के साथ साथ कैथवलिया और केसरिया विश्व के पर्यटन का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। केसरिया से लेकर कैथवलिया तक, कैथवलिया से लेकर केसरिया तक, क्योंकि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा मंदिर और वहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप और केसरनाथ महादेव का जो शिवलिंग है वह 8 उप ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जैसा कि पुराण में उसकी चर्चा है। तो ऐसे में ये तमाम जो धार्मिक स्थल हैं विभिन्न धर्मों के, बौद्ध धर्म का बौद्ध स्तूप हो गया, सनातन धर्म का ये मंदिर बन रहा है, केसरनाथ महादेव का मंदिर है, तो ऐसे में यह पर्यटन का हब बन रहा है, पर्यटन के रूप में विकसित होगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों परिवार की रोजी रोटी चलेगी। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों परिवार को की रोजी रोटी भी चलेगी। कुछ आम पब्लिक है उनसे भी जान लेते हैं, आप लोगों का यहीं पे घर है? जी जी। यहाँ पे एक हब बनने जा रहा है, लोग यहाँ पर आएंगे घूमने के लिए आएंगे, तो कहीं कहीं आप लोगों को भी रोजगार तो मिलेगा ही। रोजगार तो अलग की बात है, भगवान का मंदिर जो बन रहा है अभी विश्व के नंबर में सुन रहे, ये जगह डेवलप तो निश्चित करना है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, समय बताएगा जब कैसे लगेगा उस समय का। हम तो समझ रहे हैं कि जैसे सुदामा जी का नगरी जो पहले था एकदम ना होता है टूटा फूटी, अब फिर जब वहाँ भगवान श्री कृष्ण से जब मिले हो तो डायरेक्ट उनके खुद नहीं पहचान में आया कि मेरा नगरी कैसा है, वैसा ही नगरी बनने जा रहा है। भगवान तो सोचे होंगे, सपना में भी नहीं, लेकिन 2012 से जब भूमि पूजन हुआ ना, तो उस समय से हम सभी ने जो है सो पूरे माने दुनिया देश में गया रिपोर्ट, उसी समय से हम लोग आशा लगाए हुए थे, इंतजार कर रहे थे, है ना बाबा, इंतजार कर रहे थे। हम कथवलिया मंदिर के पुजारी हैं। मेरा यहाँ कब राम जी इस कथवलिया जगह पर कब राम जी पधारेंगे और सीता मैया पधारेंगे और उनके साथ में कौन है, बजरंगबली है। तो हम लोग का तो भाग खुल गया, यहाँ ये तकदीर खुल गया, यहाँ तकदीर है, यहाँ वास, ये प्रभा भोलेनाथ का वास यहाँ होता है, मैया का वास यहाँ होता है, चोटी पर होता है। नहीं ऐसा तो नहीं सोचे हुए थे कभी, अब कहा प्रभु का कहा लीला है वो कोई नहीं जान रहा है। चलिए, प्रभु की क्या लीला है कोई नहीं जानता है, और यह एक हब बनने जा रहा है, लोग यहाँ पर आएंगे, विश्व में इसका नाम होने जा रहा है, 2025 तक हो सके, 2025 के शिवरात्रि तक यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो शिवलिंग की बात कही जा रही है उसकी भी स्थापना यहाँ पर हो जाएगी। चलिए अभी और भी लोगों से हम बात करेंगे, और भी जानकारी देते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाते हैं। अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।